अभी जो तुलाभार किए हैं वो सब लोग यहाँ आ जाओ और गुरु जी का कर्पूर से आरती करो। कर्पूर आरती संपन्न करने के बाद आप सभी को भोजन के लिए समय दिया जाएगा और छेने की साधना, आपको सिद्धाश्रम पहुंचाने की साधना मैं यहीं आपको बिठा के करवाऊंगा। मैंने जैसा आपको कहा है कि इन तीन दिनों में जो यहाँ से आप जाएंगे तो जब कभी भी मेरे पास लौटेंगे मुस्कुरा कर लौटेंगे, कोई दर्द भरी और दुख भरी कहानी लेकर नहीं लौटेंगे। ये मेरा वचन है आपसे कि आप ऐसा ही आएंगे, इसीलिए ये साधनाएं दे रहा हूँ। आप इन साधनाओं को संपन्न करो और देखो कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है या नहीं, और मुझे विश्वास है पूर्ण जरूर होगी होगी। अभी तुलाभार जो किए हैं वो लोग कर्पूर आरती संपन्न करेंगे, उसके बाद आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और सभी लोग यहाँ उस, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये गुरुजी को क्यों किस लिए तोल रहे हैं। ये तोलने वाले का क्या है मालूम, हमारा भार तुम उठाओ जीवन भर का बोल के मुझे तोले, मेरा भार हो गया है, हम जीवन को नहीं संभाल सकते, हमारा भार तुम्हारे ऊपर डाल दे रहे हैं, हम हमारे भार को तुम संभालो, ये जो कहने की क्रिया इसे तुलाभार कहते हैं। तो अभी तो तुलसी के बल पर माता जी ने उठा दिया, वो तो भार वहन कर रहा ही कर ही रहा हूँ। अभी यहाँ इस भार अपने जीवन में कभी, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था सत्यभामा को कि कौन श्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठता के लिए उन्होंने कहा था कि तुम्हारे वजन की जो प्रिय वस्तु है उनके प्रिय वस्तु, उस प्रिय वस्तु को मैं रखता हूँ और मेरा प्रेम तुम्हें अर्पण करता हूँ, वो भार तुम्हें अर्पण करता हूँ, तुम मेरे भार को वहन करो। इसलिए इस तुलाभार को प्राप्ति की एक विशिष्ट तंत्रोक्त विधि में जिस स्वामी निश्चलेश्वरानंद जी ने कही है वो साधना संपन्न 6 बजे आपके सब आप सभी को करवाऊंगा। सभी साधकों से निवेदन है कि आज गुरु पूर्णिमा का वो साधना संपन्न करके जाओ। मुझे पता है थोड़े लोगों को ऑफिस है और थोड़े लोगों को टिकट कटा हुआ है, गुरु ने आपने 23 को ही कहा था हमें शाम में जाना है,